दोस्तों व्हाट इज अप। दोस्तों क्या आपको भी इंस्टाग्राम में रील्स बहुत पसंद है और आप भी बहुत बड़े बड़े रील्स बनाते हो बट उसमें कवर फोटो ऐड करना नहीं आता। आसान शब्दों का हूँ तो आपका रील्स में थंबनेल लगाना है बट पता नहीं कैसे लगाए। तो कोई ना, आज इस वीडियो में आपको ना केवल बताऊंगा कि रील्स में कवर फोटो कैसे लगाए, उसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रील्स में कैसे एडिट और स्टेप बाय स्टेप शेयर कर सकते हो वो भी इंस्टाग्राम के अंदर, वो भी बिना किसी मिस्टेक के। सो आपको बस एक ही काम करना है, वीडियो से जुड़े रहिए एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो दोस्तों वीडियो के मेन कंटेंट की तरफ चलने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रख लेना है। तो वैसे तो आपको ये बातें पता ही रहेगी पर फिर भी जाके जान लेते ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों इंस्टाग्राम के रील्स आपको दो टाइमिंग के हिसाब से मिल जाते हैं, 15 सेकंड और 30 सेकंड। आपको इन दोनों टाइमिंग के हिसाब से ही बनाना है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। और अगर आप इसमें कोई कवर फोटो अलग से लगानी है तो आपको पहले से इसका थंबनेल या कहूँ तो कवर फोटो पहले से बना रख लेनी है। और अगर आपको इसमें कुछ और ऐड करना है या एडिट करना है वो भी ऑप्शन मिल जाता है पब्लिश करते समय, तो कोई प्रॉब्लम की तो कोई बात ही नहीं। सो दोस्तों अगर आपको पहले से वीडियो बना रखना है तो आप बना सकते हो 15 सेकंड या 30 सेकंड वाली, या फिर आप ऑन द स्पॉट भी बना सकते हो। तो आपको फिर उसके बाद इंस्टाग्राम में आ जाना है। इंस्टाग्राम में आते ही आपको प्रोफाइल के चले जाना है, उसमें आपको प्लस साइन का ऊपर साइन दिख रहा होगा उसमें सिंपली प्लेस कर देना। तो प्रेस करते ही आपको बहुत से ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, उसमें आपको रील्स में चले जाना है। रील्स में चले जाते ही आपको रील्स के सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ आप सारे एडिटिंग भी कर सकते हो, लेंथ, ऑडियो, स्पीड, फिल्टर, ट्रिम और भी बहुत कुछ कर सकते हो आराम से। सो मैंने पहले से वीडियो बना रखी है इसलिए मैं बस इंपोर्ट कर रहा हूँ। सो अगर आपने कुछ नहीं बनाया तो ऑन द स्पॉट बना लीजिए या फिर आप एडिट भी कर सकते हो उसमें साथ साथ। सो बस नीचे अगर आप मेरी तरह इंपोर्ट कर रहे हो तो नीचे दिए गए गैलरी बटन को क्लिक करके आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो वीडियो को इंपोर्ट करने के बाद आपको उसका लेंथ और बाकी सब चीज़ों को चेक कर लेना है ताकि आगे जाकर कोई दिक्कत ना। चेक करने के बाद आपको सिंपली राइट एरो पर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको कुछ सेकंड का टाइम लगेगा, फिर आपको कैप्शन और कवर फोटो का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ बहुत से लोगों का बस कैप्शन लिखते और पब्लिश कर देते, सो उनको ये नहीं जानते कि वो साथ ही साथ उसमें कवर फोटो भी ऐड कर सकते। तो आपको बस बटन कवर फोटो का बटन दिख रहा होगा, सो कवर जहाँ लिखा है उसमें क्लिक कर लेना है। तो कवर फोटो में क्लिक करते ही आपको ऑप्शन मिल जाता है आपको कवर फोटो चूज़ करने में। सो यहाँ आपको दो टाइप का ऑप्शन मिल जाता है, आप वीडियो से ही ऑन द स्पॉट कवर फोटो चूज़ कर सकते हो, साथ साथ गैलरी से भी इंपोर्ट कर सकते हो। सो बेसिकली मैं आपको वीडियो से ही चूज़ कर रहा हूँ। सो अगर आपको गैलरी से करना है तो नीचे ऐड गैलरी है, उधर से आप ऐड गैलरी पर क्लिक करके अपना जो भी थंबनेल बना के रखे हो आपने वो चूज़ कर सकते हो। तो सब होने के बाद आपको कैप्शन पुट कर देना। सो अगर आप चाहते हो कि आपकी रील्स वायरल हो तो टैग डालना मत भूलना। तो सब होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है ऑल्सो शेयर टू फीड। सो दोस्तों इसका मतलब सिंपल सा है, सो अगर आपका जो होम पेज है इंस्टाग्राम का उसमें भी अगर आपको रील्स को दिखाना है सो आप वो ऑन कर सकते हो, या फिर आप सिर्फ चाहते हो कि आपके रील्स आपके रील सेक्शन में दिखे सो आप सिंपली उसको ऑफ कर सकते हो। सो दोस्तों ज़्यादातर ये सही लोगों को उनको दोनों ही टाइप का लगता है, सो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा। तो फिलहाल मुझे तो नहीं करना है सो इसलिए मैं ऑफ कर देता हूँ। तो फिर बस आपका शेयर कर लेना है, शेयर बटन पर क्लिक करते आपका शेयर हो जाएगा कुछ टाइम में। सो दोस्तों एक बार शेयर हो जाने के बाद आप फिर कवर फोटो को चेंज नहीं कर सकते, सो बस ये ध्यान रखना है आपको। सो इसलिए आपको जब भी कवर फोटो लगाना किसी वीडियो पे सो पब्लिश करते समय ही कर देना, क्योंकि बाद में आपको नहीं मिलेगा ऑप्शन। तो दोस्तों आपको ये वीडियो और रील के बारे में जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोगों तक पहुँच सके। दोस्तों तब तक के लिए अगर आपको जानना है कि रील्स को कैसे डाउनलोड करें अपने मोबाइल में वो भी बिना किसी ऐप के, लेफ्ट वाला वीडियो देखो, या फिर आपको इंस्टाग्राम की DP में डाउनलोड करना हो किसी की भी फुल स्क्रीन में तो आप हमारे राइट वाला वीडियो देखो। आज की वीडियो यहीं तक थी, मैं मिलता हूँ आपको ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे फिट स्टे हेल्दी।